डील चल रही है रोड के उस तरफ जिसमें फिरोज शोहरत है। इस वक्त वो एक बंदा उसको लेके कभी कहाँ लेके जा रहा है, कभी कहाँ लेकर जा रहा है। कह रहे हैं बाजी इतने मार दे। नहीं बाजी ऐसी कोई गाल ही नहीं है। फुटपाथ पे भी लेके बैठा हुआ था। हाँ। क्या डील हुई थी? यही कर रहा है कि 200 रुपया देता हूँ, वही नहीं दे रहा। मैं क्या वो तो दे, तू हाथ से लवा लेने, वो तो दे। हाथ नहीं लगा, पीछे आ जाओ। बाजी ऐसी कोई गाल ही नहीं। मैं मर दूँ? हाथ लगा रहे हो, क्या क्या किया तुमने इसके साथ? हाथ लगवा रहे, इतनी ठरक है तुम्हारे अंदर के उसको कह रहे हो कि मेरे हाथ साथ लगा दो। यहाँ करने क्या है? मैं इधर वो बत्ती चौक में काम करने आया हूँ। काम कर लिया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन इस वक्त आप देखें टीवी पे, आपने स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिएगा, डील चल रही है रोड के उस तरफ। एक खातून है जिसमें फिरोज शोहरत है जो कि यहाँ पर अड्डे पर मौजूद होती है, उसके हमने कई प्रोग्राम्स किए। इस वक्त वो एक बंदा उसको ले कर कभी कहाँ ले कर जा रहा है, कभी कहाँ ले कर जा रहा है। अब वो आया है इस तरफ, अब उसे हम बात करते हैं, रंगे हाथों पकड़ते हैं, कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या मजबूरी थी, क्या वजूहत थी कि उस खातून से डील कर रहा है, सारा जानते हैं। सारा मामला आपके सामने बेनकाब करते हैं, चलिए मेरे साथ। क्या कह रहा था बाजी? कह रहे हैं 2 मिनट इसका बता के तुम निकलो यहाँ से। कह रहे हैं बाजी इतने मार दे। नहीं बाजी ऐसी कोई गाल ही नहीं है। हाँ हाँ बाजी ऐसी, हाथ नहीं लगा, पीछे आ जाओ। बाजी ऐसी कोई गाल ही नहीं। मैं मर दूँ? हाथ लगा रहे हो? नहीं बाजी ऐसी। अच्छा एक मिनट तुमसे जब पूछूं फिर। कह रहे फुटपाथ पे भी लेके बैठा हुआ था। हाँ। क्या डील हुई थी? यही कर रहा है कि 200 रुपया देता हूँ, वही नहीं दे रहा। मैं क्या वो तो दे, तू हाथ से लवा लेने, वो तो दे। काम इसने करवाया अपना? हाँ इतने बैठे ने हाथ लवाए, तो भी नहीं दे रहा। इसकी हालत देखी है? एक मिनट इसकी हालत, इधर आओ सामने, इसकी हालत देखी है? बाजी शुगर की मरीज है वो, और भी इसको बीमारी है। क्या क्या किया है तुमने इसके साथ? हाथ लगवा रहे हैं बाजी ऐसी कोई बात नहीं। मैं ना बाजी मुल्तान जाना है, 200 दे। मजबूर बंदे हैं बाजी, ऐसी कोई गल नहीं है। और एक मिनट गल मेरे 500 दी हुई है, कोई ऐसी गल नहीं है। ये 200 रुपए में ये यहाँ पर ये गलत काम कर रहा था गाड़ी के पीछे। नहीं बाजी ऐसी कोई बात नहीं। और बड़ा मैं तेरे खुले देनी है, कैंडा हो गया इतने बाहर छड़े है, ठीक है मुल्तान जाना है। दे जरूर बंदा मुल्तान जाना है यार। 250 रुपये कैंडा हो गया इतने बैठा, वो तो लैके बैठा रहा पार्क, ठीक है। झूठ नहीं तू बोल सकता, सच कहा क्या इसने? होटल में पारे के गया है, फिर उस पारे के गया, फिर इतने बैठा रहा कैंडा। उधर भी तो तुम्हारे साथ बैठा, तब भी ये हाथ बैठ, हाथ ही लवांदा पिया। उमर क्या तुम्हारी, कहाँ से आए हो? अब तुम आओ जरा। बाजी मैं मुल्तान का उधर के रहने वाला हूँ, यहाँ से काम के सिलसिले से आया था, काम करवा रहे थे। ये ड्राइवर इतनी ठरक है तुम्हारे अंदर के उसको कह रहे हो कि मेरे हाथ साथ लगा दो। कोई बात नहीं है, इसने गलत नहीं जो अल्फाज कहे गलत नहीं। बाजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज। यहाँ करने क्या? मैं इधर वो बत्ती चौक में काम करने आया हूँ। काम कर लिया? नहीं बाजी ऐसी कोई बात नहीं। किस चीज के 250 रुपया? कुछ भी नहीं। मैं ये आप लोग भी देख ले, यहाँ से जितने भी हमारे नाजरीन है ये वो मोहतरम है, कद काठ देखे, 250 रुपए में इसने वो जो धंधा करने वाली औरत है जो कि बीमारी का गढ़ है, उसके अंदर कई बीमारी है, कई जरासीम है, यहाँ पे बैठे हुए उसको कहते हैं कि मुझे हाथ शाद लगा लो और मेरा मामला क्लियर कर दो। आप अपने अल्फाजों में खुद कहो। आती भाई मैं तो नाम नहीं ले सकती कि क्या इसने बात की है, वो कह गई है। अच्छा माफी चाहते हैं मैडम। पहली बात तो जो हमारी आवाम है ना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है जो इन औरतों के पीछे आती है। ये सबको पता है जिसमें फरोशी कर, हर बंदे को पता है ये इलाका जो सा ये गलत है।
लेकिन इसकी हरकतें मैं एक घंटे से देख रहा हूँ। कभी वो उस औरत को ऐसे लेकर घूमता है, कभी ऐसे, कभी कोने में, कभी गेट के सामने, कभी स्कूल के सामने, कभी पार्क में, कभी फुटपाथ में। इसको शर्म नहीं आ रही इस बंदे को आपसे ऊंचा कर। और इस ये जिस्म फरोशी वो तो करती ही करती है, लेकिन ये शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। घर बीवी बच्चे हैं, शादीशुदा जी? क्या उम्र है? उम्र 30 हो गई, 28 30 हो गई। 30 साल, 30 साल में इतना का तुम्हारी तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है कि तुम अपने घर जाके जो काम करना है तुम ऐसी खवातीन के साथ गलत काम कर रहे हो। बच्ची माजरा चाहता हूं। और तुम फिर भी साफ सुथरे हो, उसको देखे, उसको देखे, कमीज उसने कुछ और पहनी हुई है, शलवार उसने कुछ और पहनी हुई है उस औरत ने। साथ बंदा नहीं ठहराता कि इतनी जरासीम वाली खारिश की उसको तकलीफ है, खारिश का मर्ज है। तुम उसको कह रहे हो जो हाथ लगा लो। ये रिश्ते में नहीं बैठे, हमें देख के उतर गया, रिश्ते में भी ये बैठा है। बाजी माजरा चाहता हूँ, गलत काम तो किया है, मुझे वजह बता दो। आखिर क्या सोच के आई है तुम्हारे जहन में ये शैतानियत कैसे आई, क्यों आई? बस बाजी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। आगे आएगी ये गलती दोबारा दोहराई जाएगी? नहीं बाजी, शर्मिंदगी है ना बहुत ज्यादा बाजी। देखे सब लोगों ने आपको देख लिया बाजी, ये वीडियो जहाँ चलेगी सब देख। सुबह में आप बच्चे मेरे देख रहे होंगे, बहुत बहुत गलती। उनको भी अंदाजा हो कि मर्द क्या काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं। बहुत गलती होगी बाजी। जी नाज़रीन, ये 6 फुट का इंसान है, मुल्तान से आया, पता नहीं अपने बीवी बच्चों को क्या कह के आया होगा कि मैं कमाने के सिलसिले में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके इंतहाई वो जो जिस्म फिरोश हो रहा था उससे हमने कई दफ़ा पूछा, वाकई वो बीमारी में मुबतला है, उसको शुगर अलग है और बीमारी एलर्जिक है, उसको बॉडी एलर्जिक है, लेकिन उससे इसने 250 रुपए में डील किया कि मुझे यहाँ पर जो भी करना है कर लो। खुदारा हम लोग जो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, हमारा मकसद किसी की तजलील करना नहीं होता, हमारा मकसद सिर्फ एक हक और सच को दिखाना होता है। हमारा मकसद ये होता है कि इस माशरे में जो कोई बाहर से आते हैं इस तरह के नौसरबाज, ये भी चाहे बंदा था या चाहे वो औरत थी, दोनों एक दूसरे से इस तरह के लोगों से आप लोग बचा करें। ये 200 रुपए की कोई बात नहीं, 250 तो वो ले गई है, लेकिन जो इज्जत होती है ना, इंसान सालों साल बनाने की कोशिश करता है लेकिन इज्जत ख़राब होते, सिर्फ ये देख लें 3 से 4 मिनट में उसकी इज्जत कैसे आई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे प्रोग्राम को पॉजिटिव लिया करें, मकसद को पॉजिटिव लिया करें। तजलील करना मकसद नहीं है, सिर्फ एक हिडन मैसेज है कि इससे आप क्या सीख सकते हैं या इससे आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस तरह के माशरे में हम किस तरह बुराई ख़त्म कर सकते हैं। आप हमें राय से, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान।